कक्षा छः एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 8.6 दशमलव। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे। आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं क्योंकि ये सवाल बहुत ही आसान है। तो देखो सवाल नंबर 1, निम्न को घटाओ। यहाँ आपको दशमलव वाली संख्याओं को घटाना है। तो देखो दशमलव वाली संख्याओं को कैसे घटाते हैं। देखो यहाँ रुपये 20.75 में से रुपये 18.15, मतलब इसमें से ये नंबर घटाना है। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, पहले तो देखो ये नंबर लिखेंगे 20.75। अब इसके नीचे ये वाला नंबर लिखेंगे। तो देखो हमें दशमलव के नीचे दशमलव को लिखना है, इससे पहले इकाई के नीचे इकाई अंक लिखना है, दहाई के नीचे दहाई लिखना है, और इसके बाद दशांश के नीचे दशांश और शतांश के नीचे शतांश लिखते हैं। तो कैसे, देखो दशमलव के नीचे दशमलव लिखो, आगे कौन है 8.1 और पीछे कौन है 1.5, ठीक है ना। अब इन्हें माइनस करेंगे, ठीक है। तो घटाओ बेटा, 5 में से 5 घटाएंगे तो 0, ठीक है ना। 7 में से 1 गया तो कितना बचा 6, दशमलव का दशमलव। अब जीरो में से 8 नहीं घटा सकते, एक उधार लेना पड़ेगा, एक उधार लेते 10 हो गया, 10 में से 8 गया तो 2। अब यहाँ उधार लिया था तो 1 ही रह गया, 1 में से 1 गया तो 0, तो उत्तर कितना आ गया 2.60, क्योंकि नंबर के आगे अगर शून्य है तो शून्य का कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या ये रुपए, तो ये आ जाएंगे आपके रुपए, ठीक है। ऐसे घटाना है, मतलब दशमलव के नीचे दशमलव, इकाई अंक के नीचे इकाई अंक, दहाई के नीचे दहाई अंक, अब दशमलव के बाद दशांश के नीचे दशांश, शतांश के नीचे शतांश लिखते हैं। और जैसे हम सामान्य संख्याओं को घटाते हैं, साधारण संख्याओं को, वैसे ही दशमलव वाली संख्याओं को भी घटाते हैं। देखो बी में 250 मीटर में से 202.54 मीटर घटाना है। तो पहले तो ये लिखेंगे, इसमें से ये घटाना है, तो ये लिखो बेटा 250। अब देखो इसमें दशमलव नहीं है ना, आप दशमलव लगा के पीछे शून्य लगा सकते हो, दशमलव के बाद कितनी भी शून्य लगाओ संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसके नीचे ये नंबर लिखना है। तो देखो दशमलव के नीचे दशमलव, आगे कौन है 202 और पीछे 5.4, ठीक है ना। अब हम घटा लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ कोई नंबर नहीं है तो शून्य लगा सकते हो, अब घटाओ शून्य, जीरो में से 4 घटा सकते हैं क्या, नहीं। एक इधर से उधार लो, उधार लेते 10 हो गया, 10 में से 4 गया तो 6, अब यहाँ 9 रह गया, 9 में से 5 गया तो 4, दशमलव का दशमलव, यहाँ भी 9, 9 में से 2 गया तो 7। अब देखो एक उधार लिया था 4 ही रह गया, 4 में से 0 गया तो 4 और 2 में से 2 गया तो 0, तो ये आ जाएगा इसका उत्तर। और क्या है मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर। संख्या के आगे जीरो का कोई महत्व नहीं है, आप इस जीरो को हटा सकते हो, तो उत्तर आ जाएगा 47.46 मीटर, ठीक है। अब देखो सी वाला, रुपये 8.4 में से रुपये 5.40 को घटाना है। तो पहले लिख लेंगे 8.4, अब इसको नीचे लिखेंगे ना, तो देखो दशमलव के नीचे दशमलव, अब दशमलव से पहले 5 और दशमलव के पहले 4, शून्य माइनस करना है, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो शून्य लगा दो, ठीक है ना। जीरो में से 0 घटाएंगे तो 0, 4 में से 4 गया तो 0, दशमलव का दशमलव, 8 में से 5 गया तो 3, और रुपए हैं तो क्या आ जाएगा, रुपए आ जाएगा। उत्तर कितना आ गया 3 रुपए। दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं है, हटा सकते हो और केवल 3 रुपए भी लिख सकते हो, ठीक है। डी को भी ऐसे घटाना है, बहुत सिंपल है, दशमलव का ध्यान रखना है बस। पहले ये नंबर 5.206 किलोमीटर में से 2.051 किलोमीटर को घटाना है। पहले लिखो 5.206, अब इसमें से ये घटाना है, तो देखो दशमलव के नीचे दशमलव, इसे आगे 2, पीछे 0.51 घटाना है। घटाओ 6 में से 1 घटा सकते हैं, 6 में से 1 गया तो 5, 0 में से 5 नहीं घटेगा, एक उधार लो,
दस हो गया, दस में से पांच गया तो पांच। अब देखो एक उधार लिया था, यहाँ एक ही रह गया ना, एक में से जीरो गया तो एक, दशमलव का दशमलव। अब पांच में से दो घटाओ कितना आएगा बेटा, पांच में से दो घटाएंगे तो तीन आ जाएगा। और देखो किलोमीटर है तो ये हो जाएगा किलोमीटर, ये आ जाएगा इसका आंसर। अब देखो ई में भी ऐसे ही करना है, अब आसानी से कर सकते हो ना। देखो यहाँ पे दो दशमलव एक जीरो सात किलोग्राम में से 0.314 किलोग्राम को घटाना है। तो देखो सबसे पहले तो ये नंबर लिखो 2.107। अब इसमें से ये घटाना है तो दशमलव के नीचे दशमलव, इससे पहले 0.314, ठीक है। सात में से चार गए तो घटा सकते हैं ना, सात में से चार गए तो कितने, ये तीन बचेंगे। अब जीरो में से एक नहीं घटा सकते, उधार लो, उधार लेते कितना हो गया 10, 10 में से एक गया तो 9। अब देखो एक इधर उधार लिया था तो यहाँ शून्य रह गया, शून्य में से तीन नहीं घटा सकते, एक इधर से उधार लो, उधार लेते 10 हो गया, 10 में से तीन गया तो 7, दशमलव का दशमलव। अब उधार लिया था तो एक ही रह गया ना, एक में से जीरो गया तो एक, और किलोग्राम है तो आ जाएगा किलोग्राम, ठीक है ना। ऐसे घटाना है आपको, माइनस करना है, ठीक है, उतारो पहले। सवाल नंबर दो, मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करना है मतलब यहाँ आपको घटाना है, बाकी करनी है। तो देखो पहले 9.756, इसमें से घटाना है 6.28। सवाल नंबर एक की तरह ही है सेम, इसमें से इसको घटाना है। तो देखो सबसे पहले तो ये नंबर लिखेंगे 9.756। अब इसमें से ये घटाना है ना, तो दशमलव के नीचे दशमलव, अब पहले 6 और पीछे 2.8, ठीक है। अब माइनस करना है, अब देखो यहाँ कोई नंबर नहीं है ना, तो यहाँ क्या लगा सकते हो, शून्य लगा सकते हो। तो देखो 6 में से शून्य घटाएंगे तो 6, 5 में से 8 घटा सकते हैं क्या, नहीं। तो एक इधर से उधार लेंगे, उधार लेते 15, 15 में से 8 घटाओगे तो 7 आ जाएंगे। अब एक उधार लिया था तो यहाँ 6 रह गया, 6 में से 2 गया तो 6 में से 2 गया तो 4। अब देखो दशमलव का दशमलव, 9 में से 6 घटा सकते हैं, कितना आ गया 3, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। ऐसे बहुत आसान है, देखो बी में भी ऐसा ही करना है। 21.05, इसमें से माइनस करना है 15.27 को, तो पहले लिखेंगे 21.05। अब ये घटाना है तो देखो दशमलव के नीचे दशमलव, पहले 5, 1 और बाद में 2.7, घटाओ, 5 में से 7 घटा सकते हैं क्या, नहीं। इधर से उधार लो, उधार लेते कितना हो गया 15, 15 में से 7 गए तो 8, ठीक है। अब देखो 9 रह गए यहाँ, 9 में से 2 गए तो 7, दशमलव का दशमलव, उधार लिया था उधर तो 0 रह गया, 0 में से 5 नहीं घटा सकते, एक उधार लो 10, 10 में से 5 गए तो 5। अब यहाँ उधार लिया था तो एक रह गया, एक में से एक गया तो 0, ये आ जाएगा इसका आंसर। आप इसको 5.78 भी लिख सकते हो, क्योंकि अंक से पहले 0 का कोई मतलब ही नहीं होता है। अब देखो सी में भी ऐसा ही करना है, 18.5 में से घटाना है 6.79 को, तो पहले लिखो 18.5। अब घटाना है ना, तो देखो दशमलव के नीचे दशमलव, इसे आगे 6 और इससे पीछे 7.9, घटाना है। देखो यहाँ भी कोई नंबर नहीं है तो शून्य, यहाँ भी कोई नंबर नहीं है तो शून्य, ठीक है। अब देखो 0 में से 9 नहीं घटा सकते, एक उधार लो 10 हो गया, 10 में से 9 गया तो 1। अब देखो एक उधार लिया था तो यहाँ 4 रह गया, 4 में से 7 नहीं घटा सकते हैं, एक उधार लो 14, 14 में से 7 गए तो 7, दशमलव का दशमलव। अब एक उधार लिया था तो यहाँ 7 रह गए, 7 में से 6 गया तो 1, और यहाँ 1 में से 0 गया तो 1, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ भी 11.6 में से घटाना है 9.847 को, तो पहले नंबर लिखो 11.6, घटाना ही है दशमलव के नीचे दशमलव, आगे 9 और पीछे 8.47, माइनस करना है, ठीक है ना। अब देखो
माइनस करना है तो जहां जहां नंबर नहीं है ना वहां जीरो लगाओ। देखो यहां जीरो, यहां भी जीरो और यहां भी जीरो, ठीक है ना। अब जीरो में से सात नहीं कटेगा, एक उधार लो, दस में से सात गया तो तीन, यहां नौ में से पांच गया तो, नौ में से चार गया तो पांच, ठीक है ना। अब एक उधार लिया था तो यहां पांच रह गया, पांच में से आठ नहीं कटेगा, उधार लो, उधार लेते पंद्रह, पंद्रह में से आठ गया तो सात, दशमलव। एक उधार लिया था तो यहां शून्य हो गया, अब एक इधर शून्य हो गया ना, तो एक उधार लो, दस हो गया, दस में से नौ गया तो एक, एक उधार लेते यहां शून्य रह गया, शून्य में से शून्य गया तो शून्य ही बचेगा, मतलब ये उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये घटाना है। उतारो पहले सवाल नंबर तीन। राजू एक पुस्तक रुपए 35.65 की खरीदता है, उसने दुकानदार को रुपए 50 दिए, दुकानदार ने उसे कितने रुपए वापिस किए। राजू एक पुस्तक लेने गया जो कितने रुपए की आती है, 35.65 रुपए की, और राजू ने दुकानदार को कितना रुपए दिया, 50 रुपया। तो दुकानदार राजू को वापिस कितना रुपया देगा, तो दुकानदार क्या करेगा, 50 में से 35.65 रुपए काट लेगा और जो शेष बचेंगे वो वापस दे देगा। मतलब काट लेगा मतलब 50 में से इनको क्या करना है, मैं घटाना है, बाकी करनी है, ठीक है ना। सभी सवालों में आपको बाकी करनी है, तो 50 में से ये घटा देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे जो इसमें दिया हुआ है, पुस्तक कितने रुपए की है, 35.65 रुपए की, तो हम लिखेंगे पुस्तक की कीमत, बताओ बेटा कितने रुपए की है, ये है 35.65 रुपए की। और राजू ने दुकानदार को कितना रुपए दिया, 50 रुपया, तो हम लिखेंगे दुकानदार को दिया, कितना दिया, या उसने 50 रुपया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, दुकानदार ने उसे कितने रुपए वापस किए, तो हम लिखेंगे दुकानदार ने वापस किए। अब कितने किए, इसके लिए हम क्या करेंगे, 50 में से इनको माइनस कर देंगे जितने की किताब है, हमने 50 दिए थे राजू ने, तो इसमें से ये घटा लेंगे। 50 के देखो दशमलव नहीं है, तो हम यहाँ दशमलव लगा के पीछे क्या लगा सकते हैं, जीरो लगा सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें से ये घटाना है, तो देखो दशमलव के नीचे दशमलव, आगे वाला नंबर 5 3 और पीछे वाला नंबर 6 5, ठीक है ना। घटाओ, माइनस करेंगे तो देखो जहां पर नंबर नहीं है वहां शून्य लगा सकते हो, तो देखो जीरो में से 5 नहीं घटा सकते, इधर से उधार लेंगे, 10 में से 5 गए तो 5, या 9, 9 में से 6 गए तो 3, दशमलव का दशमलव, यहां भी 9, 9 में से 5 गए तो 4, एक उधार लिया था तो यहां 4 रह गए, 4 में से 3 गया तो 1। तो बताओ दुकानदार वापस कितने रुपए देगा, दुकानदार वापस देगा 14.35 रुपया, ये आ जाएगा इसका आंसर। यहां आप ऐसे लिखना 50 माइनस 35.65, हमने राजू ने जितना दिया था ना उसमें से वो किताब के पैसे काट लेगा, मतलब माइनस कर लेगा, और जो भी बचेंगे वो हमें राजू को वापस दे देगा, समझ में आ गया। तो ऐसे आपको घटाना है। अब देखो सवाल नंबर 4। रानी के पास रुपए 18.50 है, उसने रुपए 11.75 की एक आइसक्रीम खरीदी, अब उसके पास कितने रुपए बचे। उसके पास 18.50 रुपए थे, उसमें से 11.75 की क्या खरीद ली, आइसक्रीम, तो उसके पास कितने बचे। हम क्या करेंगे, 18.50 में से 11.75 को घटा देंगे, जो भी आएगा उसके पास शेष रुपए बचेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे तो रानी के पास कितने रुपए थे, रानी के पास रुपया, तो बताओ बेटा कितने हैं, 18.50, ठीक है। और आइसक्रीम कितने रुपए की खरीदी, तो हम लिखेंगे आइसक्रीम, आइसक्रीम खरीदी, बताओ कितने रुपए की खरीदी, तो
वो खरीदी 11.75 रुपए की। अब रानी के पास कितने बचे, तो हम लिखेंगे रानी के पास शेष रुपये, मतलब कितने रुपये उसके पास शेष बचे। हम क्या करेंगे, हम जितने रुपये थे उसके पास, उसमें से जितने की आइसक्रीम खरीदी वो हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। ये 18.50 रुपये थे और उसमें से घटा देंगे जो आइसक्रीम खरीदी, ठीक है ना। अब बताओ घटाते कैसे हैं, जैसे हमने यहाँ पर घटाया, घटाओ पहले तो देखो ये लिखो 18.50। अब इसमें से ये घटाना है दशमलव के नीचे दशमलव, आगे वाला नंबर आगे और पीछे वाले नंबर पीछे, ठीक है, माइनस करना है। जीरो में से पाँच नहीं घटा सकते, एक इधर से उधार लो दस, दस में से पाँच घटाए तो पाँच। अब देखो यहाँ एक उधार लिया था चार, एक चार में से सात नहीं घटा सकते, एक उधार लो, उधार लेते चौदह, चौदह में से सात गए तो सात, दशमलव का दशमलव। अब एक उधार लिया था यहाँ भी सात रह गए, सात में से एक गया तो छः, और एक में से एक गया तो जीरो, जीरो का कोई मतलब ही नहीं होता। तो बताओ उसके पास कितने रुपए बचे, उसके पास बचे 6.75 रुपये, ठीक है, ये उसके पास बच जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो ये ऐसे आप रफ में कर लेना बेटा, और यहाँ ऐसे लिखना है, ये भी आप रफ में करना, और यहाँ लिखना 14.35 रुपया, ऐसे समझ में आएगी बात। तो आपको यहाँ पर घटाना है, उतारो पहले। सवाल नंबर पाँच, टीना के पास 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा है, उसमें से उसने एक पर्दा बनाने के लिए 4 मीटर 50 सेंटीमीटर कपड़ा काट लिया, टीना के पास अब कितना कपड़ा बचा। तो देखो टीना के पास कुल कपड़ा 20 मीटर 5 सेंटीमीटर, उसमें से उसने पर्दा बनाने के लिए कितना काटा, 4 मीटर और 50 सेंटीमीटर, तो अब उसके पास कितना कपड़ा बचा। तो हम क्या करेंगे, 20 मीटर 5 सेंटीमीटर में से 4 मीटर 50 सेंटीमीटर घटा देंगे, मतलब हटा देंगे, हटा देंगे तो जो बचेगा वो उसके पास शेष बच जाएगा, मतलब इसमें से इनको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं, तो टीना के पास कपड़ा कितना है, टीना के पास कुल कपड़ा बताओ कितना है, वो है ये रहा 20 मीटर और 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ क्या करना है आपको, इन दोनों को ही मीटर में बनाना है, तो जो सेंटीमीटर है ना इसको भी हम मीटर में बदल लेंगे। तो बताओ सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1/100 से गुणा करते हैं, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और एक सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो इसको 1/100 से गुणा कर देंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, 5 को गुणा कर देंगे 1/100 से, ठीक है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 5 को गुणा कर देंगे 1/100 से, तो देखो 5 × 1=5/100, ठीक है ना। अब 100 का भाग लगाएंगे तो 100 में कितनी जीरो है, 2, तो ऊपर 2 अंक छोड़कर दशमलव लग जाएगा, मतलब एक अंक और ये जीरो, ये दशमलव, फिर क्या हो जाएगा, ये जीरो और ये किस में बदल जाएगा, मीटर में। तो 5 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, 0.05 मीटर। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस 0.05, तो ये हो जाएगा 20 में जीरो जोड़ा तो 20.05 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो टीना के पास कुल कितना कपड़ा है, 20.05 मीटर। सेंटीमीटर को हमने किस में बदल लिया, मीटर में। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1/100 से क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है ना, ये दोनों को एक करना है आपको, हो गया। अब पर्दा बनाने के लिए कितना कपड़ा लिया, तो हम लिखेंगे पर्दा बनाने के लिए काटा कपड़ा कितना काटा, बताओ बेटा कितना कपड़ा काटा, उसने काटा
चार मीटर और 50 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ भी हम दोनों इकाइयों को एक करेंगे, दोनों को हम मीटर बनाएंगे, तो सेंटीमीटर को चेंज करेंगे। बताओ सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1/100 से गुणा। तो 50 को हम गुणा कर देंगे 1/100 से, गुणा करो 50 एकम 50/100। अब 100 का भाग लगाएंगे, मतलब इसमें दो शून्य है तो दो अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे, एक दो छूट गए दशमलव और यहां आ जाएगा शून्य और ये क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब मीटर को मीटर में जोड़ लेंगे तो कुल कितना हो जाएगा, 4+0.50। तो 4 को शून्य में जोड़ेंगे तो 4.50 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके पास कितना कपड़ा बचा, तो हम लिखेंगे टीना के पास बचा कपड़ा। तो कुल कितना कपड़ा था उसके पास, कुल कितना कपड़ा था, 20.05 मीटर, 20.05 मीटर। इसमें से माइनस कर लेंगे कितना, 4.50 मीटर, ठीक है ना, घटा देंगे। तो घटाओ बेटा 20.05, इसमें से ये घटाना है, तो देखो दशमलव के नीचे दशमलव, आगे 4 और पीछे 50। जहां अंक नहीं है वहां 0 लगा दो, 5 में से 0 घटाया तो 5, 0 में से 5 नहीं घटा सकते, एक इधर से उधार लेते 10, 10 में से 5 गया तो 5, दशमलव का दशमलव, यहां 9 गया, 9 में से 4 गया तो 5, अब एक उधार लिया था तो एक रह गया, एक में से 0 गया तो 1। तो बताओ उसके पास कितना कपड़ा बचा, 15.55 मीटर उसके पास कपड़ा बचा। आ गया समझ में, आसान है। टीना के पास कुल ये कपड़ा था, हमने सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया और दोनों मीटरों को जोड़ दिया तो ये आ गया। उसने पर्दा बनाने के लिए कितना कपड़ा काटा, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। यहाँ भी सेंटीमीटर को किस में बदल लिया, मीटर में, मीटर को मीटर में जोड़ दिया तो 4.50 मीटर आ गया। अब टीना के पास कितना कपड़ा बचा, कुल कपड़े में से जितना उसने काटा वो हम घटा देंगे, ठीक है ना, ऐसे करना है आपको। अब देखो सवाल नंबर 6, नमिता प्रतिदिन 20 किलोमीटर 50 मीटर की दूरी तय करती है, इसमें से 10 किलोमीटर 200 मीटर की दूरी बस के द्वारा तय करती है और शेष ऑटो रिक्शा द्वारा, नमिता ऑटो रिक्शा द्वारा कितनी दूरी तय करती है। नमिता रोज कितने किलोमीटर, 20 किलोमीटर 50 मीटर की दूरी तय करती है। अब उसमें से 10 किलोमीटर और 200 मीटर की दूरी तो बस से चलती है और बची हुई दूरी किससे चलती है, ऑटो रिक्शा से। तो हमें बताना है कि ऑटो रिक्शा से कितनी दूरी तय करती है, तो हम क्या करेंगे, कुल दूरी में से बस द्वारा तय की गई दूरी घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, ऑटो रिक्शा द्वारा तय की गई दूरी मिल जाएगी, कुल में से ये घटाना है आपको, ठीक है। तो पहले तो लिखो इनको, नमिता, नमिता द्वारा तय प्रतिदिन तय दूरी, प्रतिदिन, प्रतिदिन तय दूरी, बताओ प्रतिदिन कितनी दूरी तय करती है, 20 किलोमीटर और 50 मीटर। अब देखो यहां भी ये किलोमीटर में और ये मीटर में, हम इन दोनों को एक ही बनाएंगे, दोनों को हम क्या करेंगे, किलोमीटर बनाएंगे। तो मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए क्या करते हैं, 1/1000 से गुणा करते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 50 है ना इसको गुणा कर देंगे 1/1000 से। तो गुणा करोगे ना तो देखो 50 एकम 50/1000। अब भाग लगाएंगे तो यहाँ 1, 2, 3 शून्य है ना, तो 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है। तो देखो 1, 2 और ये शून्य लगा देंगे, 3.00 लग जाएगा और ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब किलोमीटर को इसमें जोड़ देंगे किलोमीटर में, तो ये आएगा 20.0050, ठीक है। अब 20 में 0 जोड़ा तो
20.050 क्या हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, आपको मीटर को किसमें बदलना है, किलोमीटर में। मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1/1000 से क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, अब ये तो कुल दूरी हो गई, अब बस द्वारा कितनी दूरी तय करती है वो लिखेंगे। बस द्वारा तय दूरी, बताओ बस के द्वारा कितनी दूरी तय करती है, 10 किलोमीटर और 200 मीटर, 10 किलोमीटर और 200 मीटर। ठीक है ना, अब देखो यहां भी किलोमीटर मीटर आ रहा है, तो मीटर को किसमें बदल लो, किलोमीटर में। तो बताओ क्या करते हैं, 200 को गुणा कर देंगे 1/1000 से। मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1/1000 से गुणा करना है, तो 200 × 1000। ठीक है, अब भाग लगाना है, तो इसमें 1, 2, 3 जीरो हैं, तो 3 अंक छोड़ के दशमलव लग जाएगा, मतलब 1, 2 और ये 3, दशमलव 0 लगा दो और ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर। अब दोनों किलोमीटर में जोड़ लेंगे, तो बताओ क्या हो गया, 10 में प्लस करेंगे 0.2000, तो दोनों को जोड़ो, 10 में जीरो जोड़ा तो ये आ गया 10.2000 किलोमीटर। ठीक है, तो ये कुल दूरी तो ये है और बस द्वारा तय की गई दूरी ये है। अब हमसे कह रहा है कि ऑटो रिक्शा द्वारा कितनी दूरी तय करेगी, तो हम के कुल दूरी में से बस द्वारा तय की गई दूरी घटा देंगे तो ऑटो रिक्शा की दूरी आ जाएगी। अब लिखो, ऑटो रिक्शा द्वारा तय दूरी, बताओ ऑटो रिक्शे की दूरी कैसे निकले, कुल दूरी कितनी, 20.050, इसमें से घटा देंगे बस द्वारा तय दूरी 10.200। घटाओ बेटा, कैसे घटाते हैं, इधर ले लो 20.050, इसमें से घटाना है 10.200, तो दशमलव के नीचे दशमलव, उससे पहले 10 और उसके बाद 200 घटाएंगे, 0 में से 0 गया तो 0, 5 में से 0 गया तो 5। अब देखो 0 में से 2 नहीं घटा सकते, उधार लो, 10 में से 2 गए तो 8, दशमलव का दशमलव, 9 में से 0 गया तो 9, और यहाँ उधार लिया था तो 1 ही रह गया, 1 में से 1 गया तो 0 आ जाएगा, तो बताओ कितना आ गया, 9.85 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऑटो रिक्शा के द्वारा ये दूरी तय करेगा। दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, आप जीरो लगा भी सकते हो और नहीं भी, ठीक है ना, तो ये से करना। सवाल नंबर 7, आकाश 10 किलोग्राम सब्जी खरीदता है जिसमें 3 किलोग्राम 500 ग्राम प्याज, 2 किलोग्राम 75 ग्राम टमाटर और शेष आलू है, आलू का वजन ज्ञात कीजिए, हमें आलू का वजन ज्ञात करना है। देखो कुल कितनी सब्जी खरीदता है, 10 किलोग्राम, इसमें से हम क्या करेंगे, प्याज को और टमाटर को घटा देंगे तो क्या बचेंगे, शेष आलू बचेंगे। तो पहले हम इनको लिख लेते हैं, आकाश सब्जी खरीदता है, आकाश सब्जी खरीदता है, कितनी खरीदता है, 10 किलोग्राम। अब इनमें से प्याज कितने खरीदता है, प्याज खरीदता है कितने, 3 किलोग्राम और 500 ग्राम। अब बेटा देखो हम क्या करेंगे, ग्राम को भी क्या बनाएंगे, किलोग्राम ही बनाएंगे। अब ग्राम को किलोग्राम बनाने के लिए 1/1000 से गुणा करना है, तो क्या करेंगे, 500 जो ग्राम है ना उसको 1/1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 500 × 1000। अब देखो 1000 में कितने शून्य हैं, 3, तो 3 अंक छोड़ के दशमलव, मतलब 0, 0, 5, 1, 2, 3 अंक दशमलव और ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो गया। अब किलोग्राम को किलोग्राम में जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3+0.5, 0, 0। ठीक है, अब दोनों को जोड़ो
तीन में जीरो जोड़ा तो तीन, दशमलव का दशमलव, 500 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार टमाटर कितने खरीदता है वो लिख लेंगे। टमाटर बताओ टमाटर कितने, 2 किलोग्राम और 75 ग्राम। अब देखो यहां भी एक ग्राम है ना, इसको किलोग्राम में बदलो, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1/1000 से गुणा कर देंगे, तो 75 को किससे गुणा करेंगे, 1/1000 से। अब देखो गुणा करो, 75 = 75/1000। अब देखो नीचे 1000 में कितनी जीरो है, 3, तो ऊपर 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे, 5, 7, 1, 2 अंक हो गए, फिर ये 0, दशमलव यहाँ लग जाएगा और ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। अब किलोग्राम को किलोग्राम में जोड़ देंगे तो 2 + 0.075। अब जोड़ो बेटा, तो देखो 2 को 0 में जोड़ा तो 2.075 किलोग्राम। ठीक है ना, तो ये तो उसने प्याज खरीदे और ये टमाटर खरीदे। अब कह रहा है कि आलू का वजन ज्ञात करो, हमें क्या ज्ञात करना है, आलू का वजन। तो हम क्या करेंगे, कुल कितनी सब्जी खरीदनी थी, 10 किलो, उसमें से माइनस कर देंगे क्या, प्याज कितना, 3.500, फिर उसमें से माइनस कर देंगे क्या, 2.075। मतलब कुल में से प्याज और टमाटर घटा देंगे तो शेष क्या बचेंगे, आलू बचेंगे। अब बेटा देखो 10 का तो 10, अब ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, जब दोनों ही माइनस के हो ना तो उनको आप जोड़ दोगे, दोनों ही माइनस के हो तो आप उनको क्या करोगे, जोड़ दोगे, लेकिन चिन्ह किसका रखोगे, माइनस का ही रखोगे। पहले हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 3.500 और 2.075। देखो 5, 7, 5, 2, 3, 5, तो आ गया 5.575। ठीक है ना, अब घटाओ 10 में से ये घटाएंगे तो 10 तो यहाँ लिखेंगे, अब अगर इसमें दशमलव नहीं है तो 0.05 लगा सकते हैं। अब इसमें से घटाना है 5.575, ऊपर कुछ भी नहीं है तो 0 लगा दो। ठीक है, अब देखो 0 में से 5 नहीं घटा सकते, उधार लो, 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 7 गए तो 2, 9 में से 5 गए तो 4, दशमलव का दशमलव, 9 में से 5 गए तो 4, और यहाँ एक उधार लिया था तो 0 में से 0 गया तो 0, तो बताओ कितने आलू हैं, 4.425 किलोग्राम क्या हो जाएंगे, आलू हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये सवाल करने हैं। आज की क्लास में आपके प्रश्नावली 8 समाप्त होती हैं, जल्द ही हम प्रश्नावली 9 शुरू करेंगे। आपको समझ में आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। उतारो।